सो मेजरली आप देखोगे कि जो अपना चेंजेस है वो कंपनी ऑडिट के अंदर है और टैक्स ऑडिट के अंदर है, राइट? मेजरली द चेंजेस आर इन टू चैप्टर्स। अगर हम टैक्स ऑडिट की भी बात करें तो हुआ क्या कि करस्पॉन्डिंगली इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कुछ प्रोविजंस चेंज हुए, और क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर प्रोविजंस चेंज हुए इसलिए फॉर्म 3CD के भी कुछ प्रोविजंस रिवाइज हो गए, फॉर्म 3CD के भी कुछ क्लॉजेस रिवाइज हो गए, हमारी रिपोर्टिंग के रिक्वायरमेंट चेंज हो गए क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में चेंज आ गया। और कंपनी ऑडिट की बात करें तो कंपनी ऑडिट में कुल मिलाकर जो चेंजेस हैं, एक तो पेनल्टीज, काफी सारी पेनल्टीज चेंज हुई है लॉ के अंदर भी। आप इस बार देखोगे कि भर भर के पेनल्टीज चेंज हुई हैं, राइट? एंड एनीवेज आप पेनल्टी नहीं पड़ते थे तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, और ऊपर सब आपके लिए आसान हो गया। पेनल्टीज जब चेंज हुई है, काफी पेनल्टीज के अंदर मॉडिफिकेशन आए हैं, तो आपको पता है कि यार जिन पेनल्टी में चेंजेस आया कम से कम वो तो पढ़ ही लेता हूं, वहां से आने के चांसेस ज्यादा बन गए, तो आपके लिए आसान हो गया। एक तरीके से आपको इंपॉर्टेंट पेनल्टी की लिस्ट मिल गई। तो कंपनी ऑडिट के अंदर एक तो पेनल्टी में चेंजेस आए हैं, और दूसरा कुछ एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट इंसर्ट हुई है। इफ यू रिमेंबर, याद करके बताना मुझे, रिकॉल करके, कि रिपोर्टिंग का सेक्शन कौन सा था। सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 टू बी प्रिसाइज, 143 सब सेक्शन 3 के अंदर कुछ मैटर सेक्शन के हिसाब से रिपोर्ट करना था और कुछ चीजें रूल्स के अंदर रिपोर्ट करनी होती थी इन रूल 11। तो वो जो रूल 11 था जहां पे एडिशनल मैटर्स की रिपोर्टिंग थी, वहां पे तीन नए मैटर्स को इंसर्ट किया गया है, तीन नई चीजों के बारे में ऑडिटर को रिपोर्ट करनी है। तो एक तो वो चेंज आया है और कुछ पेनल्टी के अंदर मॉडिफिकेशन है। बैंक ऑडिट में ऐसा कुछ खासा चेंज नहीं है। कंपनी ऑडिट के अंदर जो तीन नए मैटर्स एड हुए हैं, जो तीन नए मैटर्स के बारे में ऑडिटर को रिपोर्टिंग करनी है, उसी का करस्पॉन्डिंग इंपैक्ट बैंक ऑडिट में भी गया है, कि जो बैंक ऑडिट करते वक्त जो ऑडिटर होगा उसको भी उन तीन चीजों के बारे में रिपोर्ट करनी होगी। यानी तीन मैटर्स कहां ऐड हुआ, रूल 11 में ऐड हुआ, कंपनी ऑडिट के अंदर ऐड हुआ, और वही तीन बातें कहां एप्लीकेबल होंगी, बैंक ऑडिट के अंदर भी एप्लीकेबल होंगी। तो वह करस्पॉन्डिंग चेंज है, राइट? तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी ऑडिट की। तो कंपनी ऑडिट के अंदर कुल मिलाकर जो चेंजेस हैं वो हमारे दो पार्ट्स के हैं। एक एडिशनल रिपोर्टिंग ऐड हुई है, तीन नए पॉइंट्स ऐड हुए हैं इन 143 सब सेक्शन 3 रूल 11 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और दूसरा पेनल्टी के अंदर चेंजेस आए हैं। अब देखो कंपनी ऑडिट का जो कोर पार्ट है हमारा वो कौन सा है। कंपनी ऑडिट की अगर हम बात करें तो जो कोर पार्ट है वो कौन सा है, दैट इज चैप्टर नंबर 10 कंसिस्टिंग ऑफ सेक्शन 139 टू 148 कंसिस्टिंग ऑफ सेक्शन 139 टू 148। बट आईसीआई ने अपने मटेरियल में कुछ चैप्टर्स और कंपनी ऑडिट के अंदर ऐड कर रखा है, जैसे डिविडेंड का चैप्टर हो गया, कंपनी अकाउंट्स का चैप्टर हो गया, तो नॉर्मली आईसीआई उसको भी कंपनी ऑडिट का पार्ट मानता है। बट टेक्निकली स्पीकिंग एंड एज पर द बाइफरकेशन गिवन इन आर क्लास ऑल्सो, कंपनी ऑडिट के अंदर मेनली क्या था, चैप्टर 10 सेक्शन 139 टू 148। तो सेक्शन 139 से 148 तक कुल मिलाकर तीन पेनल्टी में मॉडिफिकेशन आए हैं, तीन पेनल्टी में चेंजेस आए हैं। 140 सब सेक्शन 3 जहां पे ऑडिटर को क्या, जहां पे बोला गया कि अगर ऑडिटर अपने रेजिग्नेशन के बारे में आरओसी को इंटीमेट नहीं करता तो पेनल्टी लगती है। 143 सबसेक्शन 12 दैट इज रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड, जिसका पेनल्टी दिया गया है इन 143 सबसेक्शन 15, तो वहां पे पेनल्टी चेंज हुआ है कि अगर फ्रॉड के बारे में ऑडिटर या कॉस्ट ऑडिटर या कंपनी सेक्रेटरी रिपोर्ट नहीं करता सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन 60 डेज, तो पेनल्टी लगेगा। और सेक्शन 147 पेनल्टी फॉर द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन एंड कंपनी ऑडिट, तो यहां भी चेंजेस आया। तो तीन सेक्शंस के अंदर पेनल्टी में चेंजेस आया। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो डिविडेंड है, कंपनी अकाउंट्स है, उन चैप्टर्स में भी कहीं कहीं पेनल्टी में चेंजेस आया, उसको भी मैंने कंपनी ऑडिट में दे दिया है। जैसे सेक्शन 124 के अंदर जो पेनल्टी है वो चेंज हुआ है, 128 जो बुक्स ऑफ अकाउंट का सेक्शन है वहां जो पेनल्टी है वो चेंज हुआ है, और सेक्शन 134 के अंदर जो पेनल्टी है वो चेंज हुआ है, ठीक है? तो कुल मिलाकर समराइज करें तो ये सारे चेंजेस हैं। इसके अंदर एटलीस्ट ये तीन पेनल्टीज आपको याद रखनी है, 140 सबसेक्शन 3, 143 सबसेक्शन 12 एंड सेक्शन 147। ये तीन सेक्शंस के पेनल्टी तो आपको याद रखने ही रखने हैं, भले ही आप 124, 128, 134 के पेनल्टीज याद ना रखें। और 143 सबसेक्शन 3 के अंदर जो रूल 11 के अंदर तीन पॉइंट्स ऐड हुए हैं, तीन रिपोर्टिंग के तीन एडिशनल मैटर्स ऐड हुए हैं, वो आपको याद रखना ही रखना है। 99% चांसेस है कि एक क्वेश्चन यहां से एग्जाम में आपके पूछा जाएगा ही जाएगा, क्लियर है? तो अब देखिएगा यहां पे, कमिंग टू सेक्शन 140 सबसेक्शन 3 फर्स्ट, कमिंग टू सेक्शन 140 सबसेक्शन 3 फर्स्ट, पहले याद करो यार सेक्शन 140 में क्या डिस्कस किया था हमने। 140 सबसेक्शन 1 वाज रिमूवल ऑफ द ऑडिटर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। 140 सबसेक्शन 2 के अंदर बोला था कि अगर ऑडिटर रिजाइन करता है तो उसको आरओसी को इंटीमेट करना पड़ेगा विद इन 30 डेज, अपने रीजंस फॉर रेजिग्नेशन स्पेसिफाई करने होंगे। और 140 सबसेक्शन 3 में बोला गया है कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो भैया तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगेगा। अब वो पेनल्टी क्या था, बोला गया था कि ऑडिटर जैसे ही रिजाइन करेगा 30 डेज के अंदर फॉर्म 83 में वो कंपनी को और आरओसी को इंटीमेट करेगा अबाउट हिज रेजिग्नेशन, जिसका प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म था 83, और अगर नहीं करता है बोला गया था भैया तुम्हारे पर पेनल्टी लगेगा ₹50,000 या फिर जो भी रेमुनरेशन तुम्हारा बनता था, विच एवर इज लेस। मतलब अगर मेरा रेमुनरेशन 25,000 बनता है और मैंने रेजिग्नेशन के बारे में इन्फॉर्म नहीं करा
तो मेरा जो पेनल्टी लगेगा मेरे ऊपर 50,000 या रेमुनरेशन विच एवर इज लेस, यानी 25,000 लगेगा। अगर रेमुनरेशन मेरा 1 लाख बनता है और पेनल्टी 50,000 है, तो इन दैट सिचुएशन वहां पे पेनल्टी भी कितना लगेगा, 50,000 ही लगेगा। और फर्दर बोला गया कि अगर कंटिन्यूइंग फेलियर है तो फर्दर पेनल्टी ऑफ 500 रुपीज एवरी डे, फर्दर पेनल्टी ऑफ 500 रुपीज एवरी डे, मतलब मान लीजिए लैडर से 45,000 रुपीज मेरा रेमुनरेशन है, तो पेनल्टी लगेगा 50,000 या 45,000, विच एवर इज लेस, दैट इज 45,000 प्लस 500 एवरी डे टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूज। लेकिन एक लिमिट तो होनी चाहिए ना कि मैक्सिमम कितना पेनल्टी लग सकता है ऑडिटर के ऊपर। तो बोला गया था मैक्सिमम 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपए अमाउंट बोला गया था। तो मिनिमम पेनल्टी बस 50,000 और रेमुनरेशन विच एवर इज लेस देन फर्दर पेनल्टी 500 रुपीज एवरी डे सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 5 लाख रुपीज। अब उस 5 लाख रुपीज को कर दिया है लॉ मेकर ने 2 लाख रुपीज, लिमिट रिवाइज कर दी है। आप देखोगे जनरली पेनल्टीज के अंदर स्ट्रिंजेंसी कम की है, इस बार स्ट्रिंजेंसी भराई नहीं है, स्ट्रिंजेंसी कम की है। लॉ मेकर को लगा हम ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए थे तो यहां पे हमें थोड़ा सा लिबरल होने की जरूरत है। तो 5 लाख के अमाउंट को रिड्यूस करके कितना कर दिया, 2 लाख रुपए कर दिया। तो ये आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, एमसीक्यू के पर्पज के लिए यहां से आने के चांसेस 99% है। सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 बेसिकली अगर हम बात करें, सेक्शन 143 सबसेक्शन 15 होगा ये। 143 सबसेक्शन 12 के अंदर बोला गया रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और 143 सबसेक्शन 15 में बोला गया कि अगर आप कॉन्ट्रावीन करते हैं 143 सबसेक्शन 12 तो क्या पेनल्टी लगेगा। अब कॉन्ट्रावेंशन का पेनल्टी किसके ऊपर लगता है, ऑडिटर के ऊपर, कॉस्ट अकाउंटेंट के ऊपर या कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर, बिकॉज 143 सबसेक्शन 12 सब पे एप्लीकेबल है। ऑडिट करते वक्त ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट अगर मेरे को फ्रॉड का पता चलता है उसकी वैल्यू 1 CR से ज्यादा है तो मेरे को सीजी को रिपोर्ट करना है 60 डेज में, एंड द सेम प्रोविजन इज एप्लीकेबल टू द कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। और 143 सबसेक्शन 15 में बोला गया है कि अगर वो रिपोर्ट नहीं करता तो पेनल्टी कितना लगेगा। पहले क्या था, लिस्टेड कंपनीज के लिए और सारी कंपनीज के लिए पेनल्टी यूनिफॉर्म था। पहली बार लॉ मेकर यहां पे कॉन्सेप्ट लेकर आया कि लिस्टेड कंपनी के केस में पेनल्टी ज्यादा लगेगा, अनलिस्टेड कंपनी के केस में कम लगेगा। आप लिस्टेड कंपनी के ऑडिटर थे, आपने वायलेशन करा है, कॉन्ट्रावेंशन करा है, पेनल्टी ज्यादा लगेगा बिकॉज लिस्टेड कंपनी के केस में रिस्क ज्यादा है, कंप्लायंसेस ज्यादा है, और अनलिस्टेड कंपनी के केस में आपने रिपोर्टिंग नहीं करी तो पेनल्टी कम लगेगा। तो बोला गया है लिस्टेड कंपनी के केस में तो भैया 5 लाख रुपए का पेनल्टी लगेगा, 5 लाख रुपए का पेनल्टी लगेगा अगर आप 143 सबसेक्शन 12 कॉन्ट्रावीन करते हो, और बाकी कंपनीज के केस में 1 लाख रुपीज का पेनल्टी लगेगा। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। फ्रॉड रिपोर्टिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कारो 16 के अंदर भी रिपोर्टिंग करनी है। अब जब कारो 20 एप्लीकेबल हो जाएगा तो कारो 20 के अंदर भी रिपोर्टिंग करनी है। उसके अलावा आता है सेक्शन 147, दैट इज पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। तो याद करो 147 सबसेक्शन 1 क्या लिखा गया था, कंपनी के ऊपर पेनल्टी लिवाई किया गया था कि अगर कंपनी सेक्शन 139 टू 146 कॉन्ट्रावीन करती है, अगर सेक्शन 139 टू 146 कॉन्ट्रावीन होता है तो कंपनी के ऊपर क्या पेनल्टी लगेगा और ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट के ऊपर क्या पेनल्टी लगेगा। तो कंपनी के जो ऑफिसर्स है उसके उनके ऊपर पेनल्टी लग रहा था, और जो कंपनी है कंपनी के ऊपर भी पेनल्टी लग रहा था। कंपनी के ऊपर सिर्फ मॉनिटरी पेनल्टी लग रही थी, लेकिन ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट के ऊपर मॉनिटरी पेनल्टी के अलावा इम्प्रिजनमेंट भी लग रहा था, उनको जेल भी जाना पड़ रहा था। फिर लॉ मेकर को लगा अगर सेक्शन 139 टू 146 कॉन्ट्रावीन होता है तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगा, अभी भी लगेगा, ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट के ऊपर भी लगेगा, लेकिन जो इंप्रिजनमेंट का रिक्वायरमेंट था उसको हम हटा देते हैं, यानी स्ट्रिंजेंसी कम कर दी। बोला सर आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा, जो ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब जो मॉडिफाइड पेनल्टी है वो क्या बनी, इफ एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 139 टू 146 इज कॉन्ट्रावीन्ड, द कंपनी शैल बी पनिशेबल विद ए फाइन, जो कि मिनिमम 25,000 रुपए होगा, मैक्सिमम 5 लाख रुपए होगा। कंपनी के ऊपर पेनल्टी लग गया, मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 5 लाख, कोई चेंज नहीं है। एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद मिनिमम फाइन 10,000, मैक्सिमम 1 लाख। लॉजिकल सी चीज है ना यार, कंपनी बड़ी है, कंपनी के ऊपर पेनल्टी भी ज्यादा है, मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 5 लाख। ऑफिसर्स बेचारे छोटे हैं, इंडिविजुअल्स है, पेनल्टी भी कम है, मिनिमम 10,000, मैक्सिमम 1 लाख। फर्दर वहां उनको जेल भेजने की बात की जा रही थी, अब वो रिक्वायरमेंट हटा दिया है, तो दिमाग में बिठा लो जेल नहीं जाएंगे, ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट जेल नहीं जाएंगे अगर सेक्शन 139 टू 146 कॉन्ट्रावीन होता है। 147 सबसेक्शन 2, अब 147 सबसेक्शन 2 के अंदर ऑडिटर के ऊपर पेनल्टी लिवाई किया गया था कि अगर ऑडिटर्स कॉन्ट्रावीन करते हैं सेक्शन 139 या फिर 143 या फिर 144 या 145, 4 सेक्शंस कवर्ड थे। अगर ऑडिटर्स कॉन्ट्रावीन करते हैं सेक्शन 139, 143, 144, 145 तो उनके ऊपर पेनल्टी लगेगा। अब पेनल्टी के भी 2 स्लैब्स थे, एक हो गया यार नॉर्मली कॉन्ट्रावेंशन हो गया, और दूसरा जानबूझकर करा, धोखा देने के इरादे से करा, क्रेडिटर्स शेयर होल्डर्स को धोखा देने के इरादे से करा, तो दोनों केस में पेनल्टी अलग अलग थी। नाउ ऑब्वियसली जनरली डिफॉल्ट हो गया, कॉन्ट्रावेंशन हो गया तो नॉर्मल पेनल्टी है,
बट अगर जानबूझकर कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिंजेंट पेनल्टी है, जेल भी जाना पड़ सकता है, दैट इज द रिक्वायरमेंट। ठीक है, पेनल्टी अब भी सेम है पूरा का पूरा, कहीं कोई चेंज नहीं है सेक्शन 147 सब सेक्शन 2 में, लेकिन डिफरेंस क्या आया है, पहले चार सेक्शंस का कॉन्ट्रावेंशन कवर्ड था 139, 143, 144, 145, अब वहां सेक्शन 143 को हटा दिया गया है, अब तीन ही सेक्शंस का कॉन्ट्रावेंशन कवर्ड है 139, 144 एंड 145, क्लियर है ना, अब सिर्फ तीन सेक्शंस का कॉन्ट्रावेंशन कवर्ड है। इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक यह है कि सर 143 की अगर हम बात करें तो जहां पे मेन प्रोविजन था रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड उसका पेनल्टी अलग से स्पेसिफाइड था, अब 147 में अननेसेसरली दोबारा से चीज को डालकर कंफ्यूजन ऐड कर रहे थे, तो 143 को हटा दिया यहां से। तो पेनल्टी क्या है, इफ सेक्शन 139, 144 और 145 इज कॉन्ट्रावीन, द ऑडिटर शैल पे पनिशेबल विद ए फाइन, जो कि मिनिमम 25,000 रुपए होगा, मैक्सिमम 5,00,000 रुपए होगा, मैक्सिमम 5,00,000 रुपीज होगा, और 4 times द रेमुनरेशन विच एवर इज लेस। यानी मान लीजिए ऑडिटर का रेमुनरेशन है 45,000 रुपीज या लेट अस 50,000 रुपीज, और ऑडिटर ने कॉन्ट्रावीन करा है सेक्शन 144, वो कंपनी का स्टैट ऑडिट भी कर रहा है, एक्चुअरियल सर्विसेज भी उसने प्रोवाइड कर दिया उस कंपनी को देना, तो पेनल्टी कितना लग सकता है, मैक्सिमम 5,00,000 रुपए या 4 times ऑफ द रेमुनरेशन, यानी 50,000 इंटू 4 विच एवर इज लेस, यानी मैक्सिमम पेनल्टी 2,00,000 रुपए लग सकते हैं, 2,00,000 रुपीज लग सकता है। ये ऑन ऑडिटर इन केस ऑफ नोइंगली और विलफुली विद द इंटेंशन टू डिसीव द कंपनी और द शेयर होल्डर्स और द क्रेडिटर्स और द टैक्स अथॉरिटीज, तो पेनल्टी कितना लगेगा। अब बोला जो मिनिमम 25,000 था ना वो 50,000 हो गया, जो मैक्सिमम 5,00,000 था वो 25,00,000 हो गया, 25,000 का डबल कितना होता है 50,000, और 5,00,000 का 5 गुना कितना होता है 25,00,000, तो जो मिनिमम पेनल्टी 25,000 था वो 50,000 हो गया, और जो मिनिमम पेनल्टी मैक्सिमम पेनल्टी 5,00,000 था वो 25,00,000 हो गया, और 4 times ऑफ द रेमुनरेशन 8 times हो गया। ठीक है, यानी मिनिमम 50,000, मैक्सिमम 25,00,000 और 8 times ऑफ द रेमुनरेशन विच एवर इज लेस, ये तो ठीक है, लेकिन 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 यहां पे क्या एडिशनल है कि भैया तुम ऑडिटर हो, तुमने जानबूझकर फ्रॉड करा है, तुमने जानबूझकर सेक्शंस कॉन्ट्रावीन करे हैं, जो शेयर होल्डर्स जो क्रेडिटर्स तुम्हारे ऊपर बैठे हैं, तुम पे भरोसा करके बैठे हैं, तुमने उनके साथ धोखा किया है, तुम्हें जेल भी जाना पड़ेगा, तो 1 साल तक का जेल भी जाना पड़ेगा, 1 year तक का इंप्रिजनमेंट भी है, और साथ ही साथ जो फाइन लगेगा वो अलग, मिनिमम 50,000, मैक्सिमम 25,00,000 या 8 times ऑफ द रेमुनरेशन विच एवर इज लेस। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पेनल्टी है फॉर योर एग्जामिनेशंस, दैट इज द पेनल्टी गिवन अंडर सेक्शन 147, क्लियर है। उसके अलावा 3 पेनल्टीज और यहां पे मैंने आपको दी है, डिविडेंड से है, कंपनी अकाउंट से है, ये भी आप एक बार रेफर कर लीजिएगा, ज्यादा काम का नहीं है। सेक्शन 124 जो अनपेड डिविडेंड अकाउंट का सेक्शन है, वहां पे एक पेनल्टी एड की गई है, रादर मॉडिफाई की गई है। सेक्शन 128 के अंदर भी जो बुक्स ऑफ अकाउंट का सेक्शन है, वहां से जो लोग थे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार थे, उनके ऊपर मॉनेटरी पेनल्टी भी लगाई जाती थी और इंप्रिजनमेंट भी होता था, जेल भी जाया जाता था, लेकिन अब वहां से भी इंप्रिजनमेंट हटा दिया है, वहां से भी इंप्रिजनमेंट हटा दिया है। तो सेक्शन 147 के ऊपर भी जो ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट है उनसे जेल वाला पार्ट हटा दिया, और 128 में भी जेल वाला पार्ट हटा दिया, ठीक है ना। और सेक्शन 134 जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड रिपोर्ट का सेक्शन है, वहां भी पेनल्टी ऐड कर दी गई है कि कॉन्ट्रावेंशन के केस में क्या पेनल्टी लगेगा। तो ये 3 पेनल्टीज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आप रेफर कर लीजिएगा, मगर ये जो 3 पेनल्टीज है 140 सबसेक्शन 3, 143 सबसेक्शन 15 एंड सेक्शन 147, दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट, एकदम रट्टाफाई कर लो, दिमाग में पूरा का पूरा फ्रीज कर लो। तो ये तो हो गया पेनल्टी बेस्ड अमेंडमेंट। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट पूरे चैप्टर के अंदर, 143 सबसेक्शन 3 के अंदर जो एडिशंस हैं, जो रूल्स के अंदर एडिशंस आए हैं। तो अब आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट के अंदर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3। याद करो 143 सबसेक्शन 3 क्या था, मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो काफी सारी चीजें थी जिसके बारे में ऑडिटर को रिपोर्ट करनी होती है, मैंडेटरी रिपोर्टिंग है। जैसा आप याद करें कि सारा इंफॉर्मेशन मिला कि नहीं मिला, मैनेजमेंट ने कहीं कोई इन्फॉर्मेशन देने से मना तो नहीं कर दिया, अगर मैनेजमेंट ने कोई इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया तो उसकी मैंडेटरी रिपोर्टिंग थी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लाई हुआ कि नहीं हुआ, वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कंप्लाइंग विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसकी मैंडेटरी रिपोर्टिंग थी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर्ली मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं, ब्रांच ऑडिटर अपना रिपोर्ट फर्निश कर रहा है कि नहीं, उसके बाद डायरेक्टर्स कहीं डिस्क्वालिफाइड तो नहीं है अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2, कंपनी का जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है वो प्रॉपर है कि नहीं है, इन सब चीजों की रिपोर्टिंग थी। और उसके अलावा वहां पे एक क्लॉज नंबर जे था जहां पे लिखा था सच अदर मैटर्स एज बी प्रिस्क्राइब्ड। तो रूल 11 के अंदर, रूल 11 ऑफ कंपनीज ऑडिट ऑडिटर रूल्स के अंदर वहां पे 3 matters थे, वहां पे 3 matters थे जिसकी रिपोर्टिंग ऑडिटर करता था, जिसको याद करने का तरीका मैंने बताया था, दीपिका पादुकोण, डीपी की रिपोर्टिंग करनी है, यानी कि ऑडिटर को क्या करना है, डीपी की रिपोर्टिंग करनी है। तो डी से था डिले इन ट्रांसफर टू इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, पी से था पेंडिंग लिटिगेशन, पी से था प्रोविजन फॉर लॉसेस, आपको याद आ गया होगा। एक और पॉइंट था यहाँ पे डिमोनेटाइजेशन के ऊपर, कि जो स्पेसिफाइड बैंक नोट्स है उसकी रिपोर्टिंग, लेकिन वो अब हट चुका है, दैट इज रिमूव्ड। अब यहाँ पे
तीन पॉइंट्स पहले से हैं रूल 11 में, अब तीन नए पॉइंट्स ऐड हुए, थ्री न्यू पॉइंट्स आर एडेड। तो कौन से तीन नए पॉइंट्स ऐड हुए हैं? देखो अभी जो तीन नए पॉइंट्स ऐड हुए हैं ना, लेट मी क्लैरिफाई यू वन थिंग, जो यहां पे ऐड हुआ है वो एज ऑडिटर्स हम पहले भी करते थे, मगर जनरली करना या फिर लॉ के अंदर मैंडेटरी हो गया है इसीलिए करना, दोनों में फर्क होता है। तो ये जो तीन चीजें ऐड हुई है ये हम पहले भी करते थे, बस बात क्या है कि जनरली करना या लॉ के अंदर कोई चीज कंपलसरी कर दी है इसीलिए करना, दोनों में फर्क होता है। तो यहां पे ये तीन एडिशनल रिपोर्टिंग आ गई है। आप क्या याद रखोगे? सिंपल सी चीज है, तीन हेडिंग्स याद रखो, तीन हेडिंग्स याद रखो। सबसे पहला हेडिंग याद रखो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। ऑडिटर को क्या करना है? मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेना है। ऑडिटर को क्या करना है सर? मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेना है। किस चीज के बारे में लेना है डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज याद रखो कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 123, कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 123 जो डिविडेंड का मेन सेक्शन है, कि ऑडिटर को सेक्शन 123 का कंप्लायंस एंश्योर करना है। क्या करना है? ऑडिटर को सेक्शन 123 का कंप्लायंस एंश्योर करना है। और तीसरा हेडिंग आप याद रखिए रेलिवेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तीसरा हेडिंग आप याद रखिए रेलिवेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, कि ऑडिटर को रिपोर्ट करना है कि उसका जो क्लाइंट है वो जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है वो रेलिवेंट है कि नहीं है, रेलिवेंट किस तरीके से है वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये याद रखिए कि रूल 11 के अंदर तीन नए मैटर्स हैं जिसकी रिपोर्टिंग करनी है। पहला मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेना है रिगार्डिंग सर्टेन मैटर्स, दूसरा कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 123 इंश्योर करना है, और तीसरा रेलिवेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन के अंदर भी तीन पॉइंट्स हैं, यानी कहने को तीन नए पॉइंट्स ऐड हुए हैं बट प्रैक्टिकली छह नए पॉइंट्स ऐड हुए हैं, बिकॉज मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन के अंदर भी तीन पॉइंट है, तो टोटली फाइव ऐड हुए एक तरीके से देखा जाए तो। अब देखो बहुत सिंपल सी चीज है, ये जो क्लोज है दिस इज अबाउट लोन्स इन्वेस्टमेंट एडवांसेस, लोन्स इन्वेस्टमेंट एडवांसेस, लेने का देने का। आप बोल सकते हो देने का लेने का, देने का लेने का, देने का लेने का, देने का लेने का। अब प्रैक्टिकली क्या होता है, कंपनी जब भी लोन्स एडवांस करती है, कंपनी कहीं भी इन्वेस्टमेंट्स करती है, कहीं भी एडवांसेस देती है, कंपनी कहीं भी लोन्स एडवांस करती है, कंपनी किसी को भी लोन देती है, किसी भी पार्टी को लोन देती है, कहीं इन्वेस्टमेंट्स करती है, कंपनी कहीं एडवांसेस देती है किसी भी पार्टी को, एनी पार्टी, इट में बी ए इंडियन एंटिटी, इट में बी ए फॉरेन एंटिटी, इंडियन एंटिटी हो सकता है, फॉरेन एंटिटी हो सकता है, राइट, इंडियन एंटिटी हो सकता है, फॉरेन एंटिटी हो सकता है। ये ऐसा हो सकता है कि कंपनी लोन तो नहीं दे रहा, कंपनी इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर रहा, बट कंपनी किसी थर्ड पार्टी के लिए गारंटी दे रहा है, कोई एक अल्टीमेट बेनिफिशियरी है जिसके लिए कंपनी गारंटी दे रहा है। तो कंपनी क्या करता है उसके बारे में डिस्क्लोजर देता है नोट्स टू अकाउंट्स में, कंपनी क्या करता है उसके बारे में डिस्क्लोजर देता है नोट्स टू अकाउंट्स में, ऑफ ऑल द लोन्स गिवन, ऑफ ऑल द एडवांसेस, ऑफ ऑल द गारंटीज गिवन फॉर द थर्ड पार्टीज, दैट इज द अल्टीमेट बेनिफिशियरीज। क्लियर है? तो कंपनी क्या करता है उसके बारे में डिस्क्लोजर देता है नोट्स टू अकाउंट्स में, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन देती है बेसिकली। तो एज ए ऑडिटर नॉर्मली हम जब भी ऑडिट करने जाते थे हम उस मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन को वेरीफाई करते थे, हम रिप्रेजेंटेशन लेते ही लेते थे मैनेजमेंट से। ऐसे 580 जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करते हुए भी हम लोग क्या करते थे, मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेते ही थे कि आप हमें लिख के दीजिए कि आपने सारे लोन्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, एडवांसेस के बारे में, गारंटीज के बारे में डिस्क्लोजर दिया है कि नहीं, आपको अगर फंड्स कहीं से मिले हैं आपने उसके बारे में डिस्क्लोजर दिया है कि नहीं। तो वो रिप्रेजेंटेशन नॉर्मली हम लोग लेते थे हमेशा, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं था एज सच। अब लॉ के अंदर उस चीज को इंसर्ट कर दिया, बोला कि देखिए भाई आप कहीं भी लोन, कंपनी कहीं भी लोन्स दे रही है, कंपनी कहीं भी इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, एडवांसेस दे रही है, या फिर गारंटीज इशू जारी कर रही है ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी, या कंपनी को कहीं से भी फंडिंग रिसीव हो रहा है, हो सकता है इंडियन कॉम्पोनेंट हो सकता है फॉरेन एंटिटी हो, तो कंपनी को उसके बारे में क्या करना चाहिए, नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर देना चाहिए। अब ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर इस बारे में रिपोर्ट करेगा, ऑडिटर चेक करेगा कि मैनेजमेंट ने, ऑडिटर रिप्रेजेंटेशन लेगा मैनेजमेंट से कि नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर जितना भी लोन्स इन्वेस्टमेंट एडवांसेस का हम लोगों ने डिस्क्लोजर दिया है उसके अलावा हमारे कोई भी लोन्स नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, एडवांसेस नहीं है। यानी जितना भी हमने लोन्स दिया है, इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, एडवांसेस दिए हैं, थर्ड पार्टी के बिहाफ में गारंटीज हमने जारी करे हैं, सब चीज का डिस्क्लोजर हमने नोट्स टू अकाउंट्स में दे दिया है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। सिमिलरली अगर कहीं से भी अपने को फंडिंग मिली है उसका भी डिस्क्लोजर हमने क्या कर दिया है, अच्छे से नोट्स टू अकाउंट्स में दे दिया है, उसके अलावा हमें कहीं से फंडिंग नहीं मिली है। तो ऑडिटर इस चीज के बारे में रिप्रेजेंटेशन लेगा, क्या करेगा, इस चीज के बारे में रिप्रेजेंटेशन लेगा। और फिर ऑडिटर को यह भी चेक करना है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया उसमें कहीं कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है, जो रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट ने दिया है कहीं उसमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है। तो आप देखना ये जो फोर्थ पॉइंट ऐड हुआ है इसके अंदर तीन सब पॉइंट्स हैं, ये जो फोर्थ पॉइंट ऐड हुआ है इसके अंदर तीन सब पॉइंट्स हैं।
पहला कह रहा है whether the management has represented that to the best of its knowledge and belief other than as disclosed in the notes to accounts no funds have been advanced or loaned or invested या borrowed funds से भी हो सकता है, share premium से भी हो सकता है, किसी भी प्रकार से हो सकता है, हमें source से मतलब नहीं है. by the company to or in any other person or entity including foreign entities या intermediaries with the understanding whether recording in writing or otherwise that the intermediary shall whether directly or indirectly lend or invest in any other person. ऐसा भी नहीं होना चाहिए. कंपनी ने पार्टी ए के अंदर इन्वेस्टमेंट करा, उसको डिस्क्लोजर दे दिया, बट इंटरमीडियरी से पहले से अरेंजमेंट है कि इंटरमीडियरी किसी थर्ड पार्टी में इन्वेस्टमेंट करेगा और उसका डिस्क्लोजर आप नहीं देंगे, बच जाएंगे, वैसा भी नहीं होना चाहिए. तो आपको इतने कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में तो जाना नहीं है, आपको तो सिंपल सी चीज याद रखनी है कि कंपनी ने कहीं भी लोन्स दिया है, इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, एडवांसेस दिए हैं किसी भी एंटिटी को या इंक्लूडिंग ए फॉरेन एंटिटी, राइट? तो इन दैट वेरी सिनेरियो मैनेजमेंट ने क्या कर रखा होगा, डिस्क्लोजर दे रखा होगा नोट्स टू अकाउंट्स में. हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेंगे जहां पे मैनेजमेंट लिख के देगा दैट टू द बेस्ट ऑफ इट्स नॉलेज एंड बिलीफ अदर देन दैट दे हैव डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स टू अकाउंट्स और कोई भी फंड एडवांस नहीं किया गया है और कोई भी लोन नहीं दिया गया है और कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं दिया गया है और हमने कोई इंटरमीडियरी में भी पैसा नहीं लगाया है विद अंडरस्टैंडिंग कि वो कहीं और पैसा लगा दे. हमने गारंटीज भी कहीं जारी नहीं करे हैं ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी. जो भी करा है सब कुछ डिस्क्लोज्ड है नोट्स टू अकाउंट्स में, उसके अलावा कुछ नहीं किया है. उसके अलावा जो अगला क्लॉज है वो सेम टू सेम है, खाली अगला क्लॉज क्या हो गया, रिसीव के बारे में हो गया. अब यहां पे मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेंगे कि आपने जितने भी डिस्क्लोजर्स दे रखे हैं नोट्स टू अकाउंट्स में उसके अलावा आपने कहीं से भी कोई फंड रिसीव नहीं करा है फ्रॉम एनी पर्सन एनी एंटिटी इंक्लूडिंग ए फॉरेन एंटिटी. अगेन द सेम अंडरस्टैंडिंग कि किसी इंटरमीडियरी के थ्रू आप फंड रिसीव नहीं कर रहे, सेम चीज है. तो पहला पॉइंट है देने का, दूसरा पॉइंट है लेने का. लेने की बात आई तो इन्वेस्टमेंट वर्ड गायब हो गया, एडवांसेस वर्ड गायब हो गया, लोन्स वर्ड गायब हो गया, फंडिंग वर्ड यूज हो गया, ठीक है. तो एनी लोन्स इन्वेस्टमेंट एडवांसेस गिवन और रिसीव्ड, रिसीव्ड मतलब फंड्स की बात हो रही है, लोन्स इन्वेस्टमेंट एडवांसेस वर्ड गायब हो जाएगा, प्लस एनी गारंटीज ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी. डिस्क्लोजर इज टू बी टेकन फ्रॉम द मैनेजमेंट दैट एवरीथिंग इज डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स टू अकाउंट्स एंड अपार्ट फ्रॉम व्हाट इज डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स टू अकाउंट्स, ना कुछ दिया गया है ना कुछ लिया गया है. इसके बारे में क्या करना है, अपने को रिप्रेजेंटेशन लेना है. इन दोनों पॉइंट्स का सिंप्लीफाइड क्रक्स भी मैंने आपके अमेंडमेंट शीट में आपको दे के रखा है. और उसके अलावा ऑडिटर को सिर्फ रिप्रेजेंटेशन नहीं लेना, ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिटर को इंश्योर करना है कि वो जो रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट ने दिया है उसके अंदर कहीं कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स तो नहीं है, उसके अंदर कहीं कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स तो नहीं है. तब देखोगे थर्ड पॉइंट में क्या दिया है, बेस्ड ऑन सच ऑडिट प्रोसीजर्स दैट द ऑडिटर हैज कंसीडर्ड रीजनेबल एंड एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस. यानी ऑडिटर ने क्या करा होगा, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे होंगे, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के बाद नथिंग हैज कम टू देयर नोटिस दैट हैज कॉज्ड देम टू बिलीव दैट रिप्रेजेंटेशंस अंडर सब क्लॉज 1 and 2 कंटेन एनी मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है. तो यानी कि ऑडिटर को रिप्रेजेंटेशन लेना भी है, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके ये भी वेरीफाई करना है कि वहां कहीं कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है. इसका एनालिसिस भी मैंने दिया हुआ है आपको. उसके अलावा जो नया जो एडिशनल रिपोर्टिंग है, जो नेक्स्ट पॉइंट है, पहला क्या था, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन. मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन के अंदर 3 चीजें, पहला दिया तो नहीं, दूसरा लिया तो नहीं, और तीसरा ऑडिटर इंश्योर करेंगे उसमें कहीं कोई मेटल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है. उसके अलावा क्या है अगला पॉइंट, ऑडिटर रिपोर्ट करेगा कि अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है या पे किया है तो सेक्शन 123 कंप्लाई हुआ कि नहीं. तो सेक्शन 123 डिविडेंड का सेक्शन है जहां दिया गया है कि सोर्सेज ऑफ डिविडेंड क्या क्या है, कंपनी डिविडेंड कहां कहां से पे करेगा, अगर लॉस इंकर कर रही है कंपनी तो डिविडेंड के सोर्सेज क्या क्या होंगे, डिविडेंड हमेशा कैश में पे किया जाएगा, कभी भी काइंड में पे नहीं किया जाएगा, राइट. जो भी डिविडेंड का पैसा डिक्लेयर किया जाएगा वो शेड्यूल्ड बैंक अकाउंट में जमा किया जाएगा, अगर डिविडेंड एक बार डिक्लेयर कर दिया तो पे करना ही पड़ेगा. ये सारा कुछ सेक्शन 123 के अंदर है और ऑडिटर को यह रिपोर्ट करना है कि अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है तो सेक्शन 123 कंप्लाई हुआ कि नहीं हुआ. तो एग्जाम के अंदर हो सकता है दे माइट गिव यू अ केस स्टडी, दे माइट टेल यू कि हां भैया लेट अस से कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया मगर पे नहीं किया, कंपनी ने डिविडेंड काइंड में डिक्लेयर कर दिया, तो आपको समझ आ रहा है कि सेक्शन 123 का कॉन्ट्रावेंशन है. तो 123 का कॉन्ट्रावेंशन है तो एज अ ऑडिटर आपकी क्या रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. एक तो ऐसे 250 आ सकता है कंसिडरेशन ऑफ लॉज रेगुलेशन, और साथ ही साथ यहां पे 143 सबसेक्शन 3 रूल 11 के अंदर अब रिपोर्टिंग भी आ जाएगा, द रिपोर्टिंग विल कम, क्लियर है. उसके अलावा अपना जो लास्ट पॉइंट ऐड हुआ है द सिक्स्थ पॉइंट, रेलिवेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. अब इसमें क्या बोला गया है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of April 2022, फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दिस डेट, विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of April 2022, यानी ये जो रिक्वायरमेंट है
ये कब से एप्लीकेबल है? इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर्स कमेंसिंग ऑन और आफ्टर द 1 अप्रैल 2022. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू. जिस क्लाइंट का अपन ऑडिट कर रहे हैं, क्या उन्होंने एक ऐसा रेलिवेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज किया है जिसके अंदर प्रॉपर ऑडिट ट्रेल मेंटेन किया जाता है? ऑडिट ट्रेल का मतलब क्या होता है? ऑडिट ट्रेल का मतलब होता है मेंटेनिंग ए कंप्लीट लॉग ऑफ ट्रांजैक्शंस. मेंटेनिंग ए कंप्लीट लॉग ऑफ ट्रांजैक्शंस, कोई ट्रांजैक्शन कैसे हुआ, क्या हुआ, मेंटेनिंग ए कंप्लीट फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग एवरी एक्सपेंडिचर, रिकॉर्डिंग एवरी रिसीप्ट, रिकॉर्डिंग द कंप्लीट फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन. हर चीज रिकॉर्डेड होना चाहिए. अब कंपनियां क्या करती थी नॉर्मली, ये जो ऑडिट ट्रेल है ये मैनुअली मेंटेन करके चलती थी. क्या करती थी नॉर्मली? मैनुअली मेंटेन करके चलती थी. बीच में एक आधा एक्सपेंडिचर गायब कर दिया, बीच में एक आधा रिसिप्ट गायब कर दी, बीच में डेट चेंज कर दिया, मैनुअली मेंटेन करा या कंप्यूटराइज्ड में कंप्यूटर के अंदर भी मैनुअली मेंटेन कर लिया. बीच में एक आधा क्या कर लिया, एक्सपेंडिचर गायब कर दिया या रिसिप्ट गायब कर दिया या डेट चेंज कर लिया. और वहां पे कंपनियां इस तरीके से फ्रॉड करती थी, राइट? लेकिन मान लीजिए अगर हर एक क्लाइंट के पास एक ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है जो हर ट्रांजैक्शन को ऑटोमेटेड वे में रिकॉर्ड कर रहा है और बाद में उसको अल्टर करना पॉसिबल नहीं है. फॉर एग्जांपल, जैसे सेल हुआ उसने सेल की डेट रिकॉर्ड कर ली, जैसे परचेज हुआ उसने परचेज की डेट रिकॉर्ड कर ली, और उस रिकॉर्ड को बाद में अल्टर नहीं किया जा सकता, वो सिस्टम जनरेटेड है, तो उससे क्या होगा, फ्रॉड के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे. तो एमसीए ने एक नई रिक्वायरमेंट रिलीज करी. एमसीए एक नया रिक्वायरमेंट लेकर आया कि विद इफेक्ट फ्रॉम ऑल द ऑडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर्स कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2022, ऑडिटर को देखना है कि क्लाइंट क्या एक ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है जिसके पास फीचर है ऑफ रिकॉर्डिंग ऑडिट ट्रेल. मतलब दैट शुड हैव अ फीचर ऑफ रिकॉर्डिंग ऑडिट ट्रेल एंड द सेम हैज बीन ऑपरेटेड थ्रू आउट द ईयर. ऐसा नहीं होना चाहिए, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तो है और वो अच्छे से ऑडिट ट्रेल मेंटेन करता है, बट क्लाइंट ने 3 ही महीना यूज करा, 9 महीने यूज नहीं करा. भैया पूरे साल यूज होना चाहिए. और वो जो ऑडिट ट्रेल का फीचर है, जहां फीचर सेट किए गए हैं, वहां कहीं टेम्परिंग नहीं होनी चाहिए. वहां क्या नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का टेम्परिंग नहीं होना चाहिए. That is the requirement MCA has inserted. तो अब क्या हो जाएगा, क्लाइंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऐसा यूज करेगा जिसके अंदर एक ऑटोमेटेड ऑडिट ट्रेल फीचर है. उस ऑडिट ट्रेल फीचर को अपने को चेक करना है कि ऑल्टर तो नहीं हुआ. अब उस ऑडिट ट्रेल फीचर के अंदर ऐसी चीजें होंगी कि हर एक ट्रांजेक्शन का लॉग मेंटेन होगा, उसको ऑल्टर नहीं कर सकता क्लाइंट, तो वहां पर फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे. तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना है कि क्लाइंट ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है, यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है. हालांकि जरूरत नहीं है एग्जाम के लिए, बट आपको मैंने ऑडिट ट्रेल का कंप्लीट एग्जाम्पल के थ्रू दे रखा है कि ऑडिट ट्रेल में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, प्रैक्टिकली कौन सा सॉफ्टवेयर यूज हो सकता है, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप क्या क्या चीजें कर सकते हो. तो आपके अंडरस्टैंडिंग के पर्पज के लिए मैंने दे रखा है, बट एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है. तो 3 नए पॉइंट सर यहाँ पे ऐड हुए हैं. पहला, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेना है 2 चीजों के बारे में, और फिर उसका कंप्लायंस इंश्योर करना है कि कहीं उसमें मैटरल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है. दूसरा, कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 123, एंड तीसरा, इंश्योरिंग दैट द क्लाइंट हैज अ रेलिवेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर विच हैज द प्रॉपर ऑडिट ट्रेल. क्लियर है? अब यहां पे देखना, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपके सामने, आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि यार इसका इंप्लीकेशन कहां कहां जा सकता है. आप नोट डाउन कर लेना इसको. मान लीजिए कंपनी लोन्स दे रही है अपने रिलेटेड पार्टीज को और उसका डिस्क्लोजर नोट्स टू अकाउंट्स में नहीं दिया गया है, नो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन इज ऑब्टेन्ड. ठीक है, कंपनी लोन्स दे रही है रिलेटेड पार्टीज को जिसका डिस्क्लोजर नोट्स में नहीं है और जिसके बारे में कोई मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन नहीं किया गया है. तो सबसे पहले अगर लेमैन के एंगल से सोचना स्टार्ट करें फ्रॉम द एंगल ऑफ ऑडिट, तो आप बोलोगे सर ऐसे 580 रिटर्न प्रेजेंटेशन का सेक्शन है, लेकिन ऐसे 580 तो बच्चों वाला रिक्वायरमेंट हो गया. वो तो है ही है. अब आप देखो 143 सबसेक्शन 3 रूल 11 जिसके तहत ऑडिटर को रिपोर्टिंग करनी है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन के बारे में. क्लियर है? अब क्या मैं कह सकता हूं, क्योंकि यहां पे लोन रिलेटेड पार्टीज को दिया गया है, ऐसे 550 का कंप्लायंस भी इंश्योर करना पड़ेगा, सेक्शन 188 का कंप्लायंस भी इंश्योर करना पड़ेगा. क्या मेरे को यहां पे फ्रॉड की संभावना लग रही है? अगर हाँ, तो ऐसे 240 का भी कंप्लायंस इंश्योर करना पड़ेगा. कारों के अंदर भी रिपोर्टिंग करनी होगी. जो AS-18 है रिलेटेड पार्टीज का, उसका जो करस्पॉन्डिंग इन डेस है, वहां भी डिस्क्लोजर इंश्योर करना पड़ेगा. छोटा सा स्टेटमेंट है, बट इसका इंप्लीकेशन के बारे में सोचो. ऐसे 550, ऐसे सेक्शन 188, ऐसे 240 कार हो, एवरीथिंग कैन कम, AS-18 एवरीथिंग कैन कम, 143(3), ऐसे 580 तो बच्चों वाला रिक्वायरमेंट रह गया, हालांकि वो भी हम लोग दे सकते हैं. और अगर ऑडिटर को ये चीज पता चल गया कि डिस्क्लोजर नहीं दिया है नोट्स में, बट फिर भी ऑडिटर चुप है, तो याद करो क्लॉज 5(1) सेकंड शेड्यूल ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, कि ऑडिटर को मिस मैटरल मिस स्टेटमेंट के बारे में पता है बट फिर भी वो चुप है, ही शैल बी गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट.
एंड इनफैक्ट जब हम कह रहे हैं मेटल मिस स्टेटमेंट, तो यहां पे अपने को मेटल मतलब ऐसे 320 एंड मिस स्टेटमेंट मतलब ऐसे 450, इसका तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो आप सोच के देख सकते हो किसका कितना भारी भरकम इम्प्लीकेशन आ सकता है। बट एग्जाम के अंदर जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें एक साथ ट्रिगर हो या आपको इतना एडवांस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाए। एग्जाम के अंदर आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए सेम क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर उस पर स्पेसिफिकली एग्जाम के अंदर बोला गया, अगर स्पेसिफिकली एग्जाम के अंदर बोला गया है कि भाई बताएं कि ऑडिटर की रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी एज पर द कंपनीज एक्ट, सिंपल रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछा तो 143 के हिसाब से लिखोगे। आप पूछोगे कि भैया बताइए कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होंगी, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होंगी, तो आप स्टैंडर्ड्स के बारे में भी लिखोगे, आप कंपनी ऑडिट के बारे में भी लिखोगे। अगर उसने आपसे यह पूछा क्वेश्चन के अंदर कि ऑडिटर को पता था फिर भी उसने नहीं बताया, तब आप प्रोफेशनल एथिक्स को भी कोरिलेट करोगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन आप आंसर करोगे, बट ये सारी चीजें लग सकती हैं इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है ना, ये सारी चीजें लग सकती हैं इन दिस पर्टिकुलर केस। सिमिलरली एक और इलस्ट्रेशन ले लें तो डिविडेंड वाला हो जाएगा कि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया बट पे नहीं किया मान लीजिए, या काइंड में पे किया, तो सेक्शन 127 लगेगा, वो तो लगेगा जो कॉन्ट्रावेंशन का सेक्शन है, बट उसके अलावा एज ए ऑडिटर अगर हम बात करें तो ऐसे 250 लग जाएगा, एज ए ऑडिटर अगर हम बात करें तो ऐसा 705 के अंदर ऑडिटर अपनी रिपोर्टिंग की इम्प्लीकेशन कंसिडर करेगा एंड साथ ही साथ 143 सबसेक्शन 3 रूल 11 के तहत रिपोर्टिंग करेगा। आप सोच के देख सकते हो ना कितना अच्छा खासा इंप्लीकेशन जा रहा है इस चीज का, तो इसलिए मैंने बताया कि ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना 143 सबसेक्शन 3 रूल 11 एंड रूल 11 के अंदर 3 मैटर्स, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन ना देने का ना लेने का, डिस्क्लोजर इन नोट्स ऑफ अकाउंट प्लस गारंटी टू थर्ड पार्टीज, उसके अलावा डिविडेंड डिक्लेयर्ड और पेड कंप्लायंस विद सेक्शन 123 एंड तीसरा क्लाइंट क्या वैसा रेलिवेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है जिसमें प्रॉपर ऑडिट ट्रेल का फीचर है ताकि हर एक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन हो और उसको टेम्पर ना किया जा सके और पूरे साल भर क्लाइंट उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, क्लियर है ना। तो ये सारी चीजें हो गई। उसके अलावा सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर ये जो एडिशनल रिपोर्टिंग है ये पहले से था, जो यहाँ पे दिया है मैंने रिप्रोड्यूस कर दिया, पिछले अटेम्प्ट में ऐड हुआ था कि ऑडिटर रिपोर्ट करता है अंडर सेक्शन 143 की जो रेमुनरेशन पे किया गया टू द डायरेक्टर्स, वो कहीं जो 197 के अंदर जो लिमिट दी गई है उससे ज्यादा तो पे नहीं किया गया है ना, और इसका जो रिपोर्टिंग है वो रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स पैरा में आएगा। ये इस बार का अमेंडमेंट नहीं है, ये पिछले बार का अमेंडमेंट है, मैंने डाल दिया। बैंक ऑडिट के अंदर इसका करस्पॉन्डिंग चेंज ये है कि ये जो 3 पॉइंट्स नए ऐड हुए हैं ये बैंक ऑडिट में भी एप्लीकेबल है। बैंक ऑडिट के चैप्टर में यही अमेंडमेंट दिया हुआ है कि ये जो 3 पॉइंट्स ऐड हुए हैं ये बैंक ऑडिट के चैप्टर में भी एप्लीकेबल है। तो ये हो गया अपना बैंक ऑडिट का अमेंडमेंट्स। अब फाइनली आते हैं अपन टैक्स ऑडिट के अंदर कि टैक्स ऑडिट के अंदर क्या क्या चेंजेस हैं। टैक्स ऑडिट के अंदर मेनली जो चेंजेस है दैट इज बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द इनकम टैक्स एक्ट। फॉर्म 3CD के अंदर कुछ कुछ नए क्लॉजेस में एडिशन है, चेंजेस हैं। तो आप देखिएगा बहुत सिंपल है, कहानी बहुत आसान है। सबसे पहले रिविजन ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज करने के कुछ 2-3 ग्राउंड्स थे, वहां पे एक ग्राउंड ऐड हुआ है रिवीजन ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की, जो जो भी अपना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट होता है टैक्स ऑडिटर का 3CA या 3CB या 3CD जो भी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है उसको रिवाइज किया जा सकता है, उसको रिवाइज किया जा सकता है राइट बाय द पर्सन बाय गेटिंग रिवाइज रिपोर्ट ऑफ ऑडिट फ्रॉम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट ड्यूली साइन एंड वेरीफाइड बाय सच चार्टर्ड अकाउंटेंट। लेकिन कब, मान लीजिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बन गया, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बनने के बाद कोई ऐसा पेमेंट हो गया या कोई ऐसा इनकम आ गया जिसकी वजह से अलाउंस या डिसअलाउंस हो गया, या पहले अपने को लग रहा था कोई चीज अलाउड है वो डिसअलाउड हो गई, पहले अपने को लग रहा था कोई चीज डिसअलाउड है वो अलाउड हो गई, जिसकी वजह से टैक्स लायबिलिटी में इंपैक्ट आ गया, जिसकी वजह से टैक्स लायबिलिटी में इंपैक्ट आ गया, तो वहां पे रिपोर्ट को रिवाइज किया जा सकता है। जिसके अंदर मेनली 2 सेक्शंस की बात की गई है, सेक्शन 40 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एंड सेक्शन 43B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अब एक बात क्लैरिफाई कर दो भैया, अगर आपने सिर्फ फर्स्ट ग्रुप कर रखा है, अगर आपने इनकम टैक्स अभी तक नहीं कर रखा है, नहीं भर रखा है, तो आप वीडियो बंद कर सकते हैं, आपको ये बातें समझ नहीं आएंगी। अभी मैं आपको इनकम टैक्स पढ़ाने नहीं बैठा हूं, यहाँ पे क्या क्या चेंज है वो बताने बैठा हूं। उम्मीद कर रहा हूं, एज्यूम कर रहा हूं कि इनकम टैक्स एक्ट में आपने पढ़ रखा है व्हाट इज सेक्शन 40 एंड आपने पढ़ रखा है व्हाट इज सेक्शन 43B एंड आपने पढ़ रखा है रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। हालांकि आपके नॉलेज के लिए मैंने अमेंडमेंट शीट में दे दिया है फिर भी राइट। तो देखना यहां पे, इफ देयर इज अ पेमेंट बाय सच पर्सन आफ्टर फर्निशिंग ऑफ रिपोर्ट, कोई ऐसा पेमेंट हुआ है रिपोर्ट फर्निश करने के बाद विच नेसेसिटेट्स रिकैलकुलेशन ऑफ डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 40 और 43B। सेक्शन 40 और 43B, सेक्शन 40 में क्या था, 43B में क्या था। सेक्शन 40 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट वॉज अबाउट द इनएडमिसेबल डिडक्शंस, इनएडमिसेबल डिडक्शंस, फॉर एग्जाम्पल पेमेंट किया विदाउट डिडक्टिंग TDS,
और सेक्शन 43 बी क्या था कि कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिसका डिडक्शन एक्चुअल पेमेंट बेसिस में मिलता है, कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिसका डिडक्शन एक्चुअल पेमेंट बेसिस में मिलता है, ठीक है। तो यहां पे बोला गया है अगर कोई पेमेंट हुआ है आफ्टर फर्निशिंग ऑफ रिपोर्ट विच नेसेसिटेट्स रिकैलकुलेशन ऑफ डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 40-43 बी, तो वहां पे रिपोर्ट रिवाइज किया जा सकता है, बट वो जो रिवाइज रिपोर्ट है वो फर्निश करना पड़ेगा बिफोर द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर फॉर विच द रिपोर्ट पर्टेन्स। दिस इज टू बी रिमेंबर्ड, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। For example, for the financial year 2021, relevant assessment year will be 21-22 and accordingly the last date for such revised report will be 31st of March 2022. Minor changes in the few clauses. तो आप देखोगे यहाँ पे clause 8 जो है अपना, तो clause 8A के अंदर एक addition है, clause 8A के अंदर addition है। Basically ये addition क्यों है, Income Tax Act के अंदर जो कॉपरेटिव सोसाइटीज है, कॉपरेटिव सोसाइटीज को एक नया ऑप्शन दे दिया गया है टू क्लेम टू पे टैक्स ऑन द प्रिजम्प्टिव बेसिस। तो नॉर्मली कॉपरेटिव सोसाइटीज को टैक्स पे करना पड़ता था वो 30% के हिसाब से पे करना पड़ता था, बट असेसमेंट ईयर 21-22 से उनको एक ऑप्शन दे दिया है कि जो कॉपरेटिव सोसाइटीज है जो इंडिया में रेसिडेंट है वो सिर्फ 22% के हिसाब से टैक्स पे कर सकती है, सरचार्ज अलग से लगेगा। 22% के हिसाब से टैक्स पे कर सकती है, सरचार्ज अलग से लगेगा, सेस अलग से लगेगा, लेकिन अगर वो 22% का ऑप्शन क्लेम करती है तो जो भी डेप्रिसिएशन का बेनिफिट उन्होंने ले रखा है, जो भी एमोर्टाइजेशन का बेनिफिट ले रखा है, जो भी एडिशनल डेप्रिसिएशन का क्लेम ले रखा है, वो सब उनको एडबैक करना पड़ेगा। तो एडबैक कर देंगे तो क्या होगा, उससे ब्लॉक ऑफ एसेट में भी इफेक्ट आएगा। क्या होगा, उससे ब्लॉक ऑफ एसेट में भी इफेक्ट आएगा। तो अब इससे क्या हुआ, अब ये जो रिक्वायरमेंट इनकम टैक्स एक्ट का, इसकी वजह से क्या हुआ, फॉर्म 360 में भी रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट्स ऐड हो गई। क्लॉज 8A के अंदर ऐड हो गया कि क्या एसएससी ने ऑप्ट किया है फॉर टैक्सेशन अंडर सेक्शन 115 BABAA BAB, पहले से था BAC BAD, राइट, BAC एंड BAD। 115 BAC के अंदर ऑप्शन दिया गया है इंडिविजुअल्स और HUF टैक्स पेयर्स को टू पे इनकम टैक्स एट लोअर रेट्स, एंड 115 AD के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी रेजिडेंट को ऑप्शन दिया गया है टू पे टैक्स एट 22% फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। अब देखिएगा क्लॉज 8 का ही जो इंपैक्ट है, जो 8A का इंपैक्ट है, वही इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा क्लॉज 18 में, और उसी का इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा क्लॉज 32 में भी, क्लॉज 32 में भी। तो क्लॉज 18 पार्ट बी। अब यहां पे क्या बोला, पार्टिकुलर्स ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउेबल एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ब्लॉक ऑफ एसेट्स एज द केस मे बी इन द फॉलोइंग फॉर्म। तो यहां पे बोला गया है फॉर सब क्लॉजेस सी ए एंड सी बी द फॉलोइंग सब क्लॉजेस शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, नेमली एडजस्टमेंट मेड टू द रिटन डाउन वैल्यू अंडर सेक्शन 115 BAC BAD फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 एंड एडजस्टमेंट मेड टू रिटन डाउन वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स ड्यू टू एक्सक्लूडिंग वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ ए बिजनेस और प्रोफेशन। अब यहां पे देखना, एक तो जो भी रिटन डाउन वैल्यू में एडजस्टमेंट आएगा, बिकॉज वहां पे क्या हो रहा है कि एडबैक हो रहा है, डेप्रिसिएशन इज एडेड बैक, एडिशनल डेप्रिसिएशन इज एडेड ब्लैक, उससे ब्लॉक ऑफ एसेट भी इंपैक्ट होगा, राइट। और साथ ही साथ क्या हो रहा है यहां पे, एक रिक्वायरमेंट और ऐड हुआ है, दैट इज इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एक रिक्वायरमेंट क्या आया है कि जो इनटेंजिबल एसेट्स है, इनटेंजिबल एसेट्स के ऊपर अब एमोर्टाइजेशन क्लेम नहीं कर सकता कोई, नो वन कैन क्लेम द एमोर्टाइजेशन, राइट, गुडविल के ऊपर, पार्टिकुलरली गुडविल के ऊपर, कि गुडविल के ऊपर जो एमोर्टाइजेशन है, जो डेप्रिसिएशन है, वो क्लेम नहीं किया जा सकता। गुडविल को ब्लॉक ऑफ इनटेंजिबल एसेट से ही हटा दिया है, और क्योंकि गुडविल को ब्लॉक ऑफ इनटेंजिबल एसेट से ही हटा दिया है, इसलिए उसके ऊपर एमोर्टाइजेशन क्लेम नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता, एमोर्टाइजेशन क्लेम नहीं किया जा सकता, तो इसलिए गुडविल का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, राइट, द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इज टू बी डन। प्लस 115 AC 115 BAD की वजह से जो WDV है वहां चेंज आएगा, तो उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इसलिए यहां पे क्लॉज 18 में फर्दर चेंज आ गया पार्ट बी के अंदर। फर्दर क्लॉज 32 के पार्ट बी में, एक चेंज आ गया बिकॉज ब्लॉक ऑफ एसेट के अंदर भी चेंज आएगा, इसलिए जो क्लॉज 32 देखोगे तो वहां पे ब्लॉक ऑफ एसेट्स की बात होती है, तो उसके अंदर भी उसका इंपैक्ट आ गया, और इसलिए क्लॉज 32 के अंदर भी चेंजेस आ गया, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल दिया मैंने आपको जिसमें क्लॉज 8 एंड क्लॉज 32 आप दोनों की कंबाइंड अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो, कि कोऑपरेटिव सोसाइटी रेजिडेंट इन इंडिया कैन ऑप्ट फॉर द कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स एट 25.168%, 22% प्लस सरचार्ज 10% प्लस हेल्थ एंड ईसी 4% अंडर सेक्शन 115 BAD इन रिस्पेक्ट ऑफ इट टोटल इनकम कंबाइंड विदाउट गिविंग इफेक्ट टू डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA 32AD 33AB 33AB 35(1)(2) एंड सो ऑन, एडिशनल डेप्रिसिएशन अंडर 32(1)(2A) डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A and set of loss and depreciation brought forward from earlier years relating to the above deductions.
Hence, if any cooperative society opts for 115 BAD, let's say additional depreciation on the machine is taken 5 lakh rupees, block of asset ka value kitna ho jayega, now is 25 lakh rupees, and brought forward loss is 2 lakh rupees, ye sara kuch reverse ho jayega, aur add back ho jayega to the block of asset. तो अब रिपोर्टिंग अंडर 3CD किस हिसाब से होगा? क्लॉज 18 CA के हिसाब से रुपीज 5 लाख का जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो रिवर्स हो जाएगा. 18 CC के हिसाब से एडजस्टेड WDV ऑफ ब्लॉक बन जाएगा 25 लाख प्लस 5 लाख इक्वल टू 30 लाख रुपीज. क्लॉज 32 के हिसाब से अगेन रुपीज 2 लाख का जो ऑल लॉसेस अलाउंसेस है दे विल नॉट बी अलाउड अंडर सेक्शन 115 BAA, BAC, BAD. एंड क्लॉज 32 कॉलम 6 रुपीज 5 लाख अमाउंट एज एडजस्टेड बाय विड्रॉवल ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन अकाउंट ऑफ ऑप्टिंग फॉर टैक्सेशन. तो ये सारी बातें आपको तभी समझ आएगी अगर आपने इनकम टैक्स कर रखा है, वरना अगेन आपको वो चीज समझ नहीं आएगा. राइट. एंड इनकम टैक्स एक्ट के अंदर मुझे लिमिटेड नॉलेज है, तो स्टडी करके जितना नॉलेज मुझे मिला है उसके अकॉर्डिंग मैंने ट्राई किया है कि इनकम टैक्स के प्रोविजन के साथ आपको कोरिलेट करके बता सकूं, रेलिवेंट एग्जांपल्स ऐड कर सकूं. बाकी इनकम टैक्स के अंदर आप जाना ज्यादा ज्ञानी है, आप मुझसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, तो अगेन यू कैन कोरिलेट इन अ बेटर मैनर. उसके अलावा एक छोटा सा जो इम्प्लीकेशन है वो क्लॉज 17 में देखने को मिला है. क्लॉज 17 जो क्लॉज था पार्टिकुलरली ऑन द ट्रांसफर ऑफ लैंड और बिल्डिंग, कि अगर लैंड बिल्डिंग ट्रांसफर किया गया है तो वहां पे कंसिडरेशन वैल्यू क्या लिया जाएगा, एक्चुअल कंसिडरेशन वैल्यू लिया जाएगा या स्टाम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी ने जो वैल्यू डिटरमाइन किया गया है वहां लिया जाएगा. तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना होता था डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी, कितना कंसिडरेशन रिसीव किया है, कितना वैल्यू स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी ने एसर्टेन करा है. यहां पे एक एडिशनल रिपोर्टिंग अब आ गया, यहां पे एक एडिशनल रिपोर्टिंग आ गया. क्या आ गया देखते हैं. वेयर एनी लैंड और बिल्डिंग और बोथ इज ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर ए कंसिडरेशन लेस देन द वैल्यू अडेप्टेड और असेस्ड और एसेसिबल बाय अथॉरिटी ऑफ ए स्टेट गवर्नमेंट रेफर टू इन सेक्शन 43CA और सेक्शन 50C. तो ऑब्वियसली आपको 43CA का नॉलेज होना चाहिए, 50C का नॉलेज होना चाहिए. 50C कैपिटल गेन के अंदर आता है, 43C बिजनेस के अंदर आता है. 43CA के अंदर यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर चेंज है. तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना है डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी, कंसिडरेशन रिसीव्ड और एक्रीड, वैल्यू अडेप्टेड और असेस्ड और एसेसेबल, वेदर प्रोविजंस ऑफ सेकंड प्रोविजो टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 43CA और फोर्थ प्रोविजो टू क्लॉज 10 ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 56 इज एप्लीकेबल. तो अब यहां पे ऑडिटर को रिपोर्ट क्या करना है, जो सेकंड प्रोविजो है सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 43CA का वो एप्लीकेबल है कि नहीं, और जो फोर्थ प्रोविजो है क्लॉज 10 ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 56 का वो एप्लीकेबल है कि नहीं. तो पूरा का पूरा इनकम टैक्स से कोरिलेटेड है. इनकम टैक्स एक्ट पता है तो आप यहां लिख पाओगे, नहीं पता है आप नहीं लिख पाओगे. तो मैंने क्या करा है, सेक्शन 43CA का जो जिस्ट है, जो क्रक्स है, वो आपको दे दिया है. सिमिलरली फोर्थ प्रोविजो टू क्लॉज 10 ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 56 जो है, जो गिफ्ट का सेक्शन है IFOS का, वो भी मैंने यहां पे आपको दे दिया है, ताकि आप एक बार रेफर कर ले तो आपको आइडिया लग जाएगा, आपको याद आ जाएगा कि इनकम टैक्स एक्ट में आपने क्या स्टडी किया था. राइट. तो अगर हम बात करें सेकंड प्रोविजो टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 43CA का, उसका सिंपल सा क्रक्स ये है जो मैंने आपको दे दिया है, कि अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड्स करता है 110% ऑफ कंसिडरेशन, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स एंड गेन्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ सच एसेट. और अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड नहीं करता है 110% ऑफ कंसिडरेशन, तो जो कंसिडरेशन वैल्यू है उसी को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ सच एसेट. अगेन आपने इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रखा है तो आप रिकॉल कर पाओगे, नहीं पढ़ रखा है तो समझ नहीं आएगा. बट अगेन क्रक्स के अंदर मैंने आपको सिंपल वे में दे दिया है कि आप आराम से ऑडिट का काम चला सके. इसका मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया है. एग्जांपल 1, कंसिडरेशन पेड फॉर द बिल्डिंग हैड अ स्टॉक 120 लाख रुपीज, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 130 लाख रुपीज, एंड कैलकुलेट द कंसिडरेशन वैल्यू फॉर सेक्शन 43CA. तो सिंस 110% ऑफ 120 लाख विल बी 132 लाख एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज 130 लाख, व्हिच मींस द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डज नॉट एक्सीड 110% ऑफ कंसिडरेशन, यानी कि यहां पे जो कंसिडरेशन वैल्यू 120 लाख है उसी को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिट्स एंड गेन्स. एंड एग्जाम्पल 2 के अंदर, कंसिडरेशन पेड फॉर बिल्डिंग हेड अ स्टॉक इन ट्रेड इज 120 लाख रुपीज, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 150 लाख, कैलकुलेट द कंसिडरेशन वैल्यू फॉर 43CA. तो यहाँ पे 110% ऑफ 120 लाख होता है 132 लाख, स्टैम्प वैल्यू है 150 लाख जो कि 110% से ज्यादा है, यानी यहाँ पे जो 150 लाख रुपीज है इसी को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हम लोग मान लेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ सच एसेट. क्लियर है. सेक्शन 56 टू 10 फोर्थ प्रोविजो का भी मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है, जस्ट दे दिया है कि प्रोविजन क्या है, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो. तो कुल मिलाकर ये इनकम टैक्स का पार्ट है, बट अगेन व्हाट आई हैव ट्राइड इज कि जहां भी रेलिवेंट इलस्ट्रेशन हो सके, रेलिवेंट डायग्राम हो सके, आपको दे दिया है ताकि आपको दिक्कत ना आए. बट
बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द इनकम टैक्स एक्ट दिस चेंजेस इन द फॉर्म 330 हैज कम. तो एक तो रिवीजन ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का एक पॉइंट ऐड हो गया और इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कुछ चेंजेस की वजह से क्लॉज 8 में चेंज आया, क्लॉज 17 में चेंज आया, क्लॉज 18 में चेंज आया, क्लॉज 32 में चेंज आया. तो कुल मिलाकर मैं आपको बोल सकता हूं कि भैया क्लॉज 8 हो गया, 18 हो गया, 17 हो गया, 32 हो गया, ये चारों में चेंज आया है बिकॉज ऑफ द चेंज इन द इनकम टैक्स एक्ट. तो ये चार क्लॉजेस अब एग्जाम के लिए आप अच्छे से कर लीजिएगा. नवंबर 21 एग्जाम के लिए ये जो चार क्लॉज है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट मैंने खुद अपने बुक के अंदर, क्योंकि हमारा जो क्लासेस होता है एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में होता है, 80-20 का फॉर्मुला हम लोग फॉलो करते हैं कि अपने को 80% अच्छे से करना है पूरे सिलेबस का और उससे मेरे बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं. तो मैंने खुद पहले क्लॉज 8 अच्छे से नहीं कराया, कभी क्लॉज 8 अच्छे से नहीं कराया, 18 अच्छे से नहीं कराया. मगर अब मैं एडवाइस करूंगा स्टूडेंट्स को कि भैया ये चारों क्लॉजेस आपने अच्छे से देखने हैं, नवंबर 21 के लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है. तो दिस आर द टोटल चेंजेस, दिस आर द टोटल चेंजेस, टोटल अमेंडमेंट्स यू हैव इन योर ऑडिट पेपर. शॉर्ट टाइम के अंदर हमने कोशिश कर रहे हैं सारे के सारे अमेंडमेंट्स कवर करने का. बैंक ऑडिट के अंदर तो एक ही चेंज है, दैट इज जस्ट एन इम्प्लीकेशन. कंपनी ऑडिट के अंदर पेनल्टी का चेंजेस है. कुल मिलाकर आपने देखा 6 सेक्शंस के अंदर पेनल्टी में चेंजेस हैं, जिसके अंदर 3 सेक्शंस के पेनल्टी काफी इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा 143 सबसेक्शन 3 के अंदर जो रूल 11 है उसके 3 पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है. ऑडिट ट्रेल का सॉफ्टवेयर का मैंने आपको प्रॉपर एक प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन दे दिया है, प्रॉपर एक एग्जाम्पल फॉर्म में अच्छे से सब कुछ दे दिया है. और उसके अलावा टैक्स ऑडिट के अंदर भी जितने भी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शंस हैं उसका भी क्रक्स और एग्जांपल दे दिया है, ताकि आपको किसी तरीके से कोई दिक्कत ना आए. तो आप देख सकते हो कि इस अमेंडमेंट शीट में सब कुछ कवर्ड है, बहुत अच्छे से कवर्ड है, सारी चीजों का ध्यान रखा गया है इस अमेंडमेंट शीट के अंदर. इनफैक्ट मैं क्या करूंगा, अब इस वीडियो के माध्यम से आप 40-50 मिनट में एक बार अमेंडमेंट्स देख लोगे, आपको 2-3 घंटे लगाने की जरूरत नहीं है. बट फिर भी एग्जाम से पहले ये 40-50 मिनट भी देखने का टाइम नहीं होगा, और अमेंडमेंट शीट देख के भी 20-25 मिनट तो लग ही जाएगा. मैं आपको एक रिविजनरी वॉइस क्लिप भी प्रोवाइड कर दूंगा जिसके अंदर 7-8 मिनट्स के अंदर, 7-8 मिनट्स के अंदर सारा का सारा अमेंडमेंट कवर्ड होगा, राइट. तो जो ऑडियो क्लिप्स है जिसके माध्यम से आप पूरा ऑडिट लॉ 6-7 घंटे में रिवाइज कर सकते हो, इस बार नवंबर 21 के अंदर काफी सारे नए ऑडियो क्लिप्स लॉन्च होंगे और कोशिश करेंगे कि पूरा ऑडिट लॉ 6-7 घंटे में रिवाइज कर सकें. डेली बेसिस में ऑडियो क्लिप सुनते रहो, प्रभु का नाम लेते रहो और ऑडिट लॉ रिवाइज हो गया 6-7 घंटे में. तो यहाँ पे अमेंडमेंट का भी आपको मैं एक ऑडियो क्लिप दे दूंगा जहां पे 5-6 मिनट के अंदर आप पूरा का पूरा अमेंडमेंट का पार्ट रिवाइज कर सकें. तो उम्मीद करता हूं कि वो चीज आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, वो चीज आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, राइट. So hopefully this video was beneficial for you. The amendment notes are beneficial for you. Do share the same with your friends. Do like the video. Law के amendments के साथ भी हम जल्द आने वाले हैं. Law के amendment notes के साथ भी हम जल्द आने वाले हैं. Right. All the very best. Love you all. Take care.